साथियों आज सीखते हैं कि अगर दो संख्याओं का आपको अंडर रूट में जोड़ दिया गया है और ऐसे ही आपको चार संख्याएं लिखी उसमें सबसे बड़ी संख्या कौन है या सबसे छोटी संख्या कौन है और वो भी आपको तीन से पाँच सेकंड में इसको कैसे निकालें। इसके लिए करते क्या, सबसे पहले हमें मालूम होना चाहिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी। अगर मैं इसको देखूं तो आपको बता सकता हूं सबसे छोटी ये संख्या है और सबसे बड़ी संख्या ये है। ये मैंने कैसे बता दिया आपको दो से तीन सेकंड में, सबसे बड़ी बात। अब आप ये कैसे आया है इसके बारे में आप जान लीजिए तो आपको एक सेकंड लगेगा सीखने में कैसे। ये अंडर रूट 10 है, ये अंडर रूट 8 है, इसका आप होल स्क्वायर कर लीजिए। क्यों करना है, छोटी संख्या है तो छोटा वर्ग आता है, जैसे 2 है तो 2 का वर्ग 4 आएगा, अगर ये 4 है तो 16 आएगा, तो यानी वर्ग भी बड़ा होता है। तो चलिए, तो ये पहले पद का वर्ग तो ये रूट हट जाएगा, दूसरे पद का वर्ग ये रूट हट जाएगा, प्लस दोनों की गुणा 10 अठे 80 और उसका दोगुना दोगुना बाहर रहेगा। ठीक इसी प्रकार से 11 प्लस रूट 7 रूट 11 का होल स्क्वायर ये होगा 11 प्लस 7 प्लस 2 रूट 11 77। ऐसे ही 13 प्लस 5 प्लस, मैं ये आपको बताना चाहता हूँ कि आप ये कैसे आया होगा जिससे आप कभी कंफ्यूज ना हो, भूले नहीं। 13 बचे 65, ये देखिए। और नेक्स्ट है 13, 15 प्लस रूट 3, इसका अगर होल स्क्वायर निकालेंगे 15 प्लस 3 प्लस 15 45 रूट 2 और 2 ये लगाना भूल गया था। इसको आप लिख सकते हैं 10 और 8 18 प्लस 2 रूट 80 18 प्लस 2 रूट 77 और ये 18 प्लस 2 रूट 65 और इसे 18 प्लस 2 रूट 45। अब आप देख रहे होंगे सम में 18 18 आ रहा, क्यों? क्योंकि इन दोनों को देखिए आप 10 और 8 यानी उसके अंदर की संख्याएं का जोड़ 18 ही आ रहा है। अगर कभी ऐसी संख्याएं दिखे तो आप देखिए सम में 18 है, हटा दीजिए, चूंकि समय में 18 है, समय दोगुना है, दोगुना दोगुना हटा दीजिए। अब जिसका अंडर रूट में जो संख्या बड़ी वो बड़ी और जो छोटी है तो सबसे छोटा है 45, तो ये हो गई सबसे छोटी संख्या, अर्थात ये वाली सबसे छोटी संख्या हो गई। सबसे बड़ी 80 बड़ा है तो ये सबसे बड़ी हो गई। अब आप सोच रहे इसको कैसे करना है, कुछ नहीं करना है, केवल ये देख लेना है कि इन दोनों का जोड़ सेम आ रहा है। तो अब आप क्या करेंगे, 10 अठे 80 11 सती 77 13 पचे 65 और 15 तिया 45, लिख लिया सबसे छोटा 45 है तो सबसे छोटी संख्या, सबसे बड़ी, सबसे बड़ा गुणा कौन है 80 है तो सबसे बड़ी संख्या हुई। अब आप इन्हें चाहें तो आरोही और अवरोही में भी लगा सकते हैं। तो ये थी आज की ट्रिक, बहुत आसान। चलिए मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ जिसे आपको लगा के बताना है इसमें सबसे छोटी संख्या कौन है और सबसे बड़ी संख्या कौन है। एक लिख लीजिए 18 प्लस रूट 15 कर लीजिए, दूसरी संख्या आप लिख लीजिए 17 प्लस रूट, इसी में एक 16 कर दीजिए और एक रूट कर दीजिए आप 20 प्लस रूट 13 कर लीजिए और अगला कर लीजिए 21 प्लस रूट 12। ये आपको बताना है इसमें चारों में सबसे छोटी संख्या कौन है और सबसे बड़ी संख्या कौन है। कमेंट करके आप फटाफट बताइए, फिर मैं मिलता हूँ आपको एक अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।